और उस फंड की ने एक कंपनी बनाई जो अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रही है, और उस फंड ने एक कंपनी बनाई जिसको डिफेंस के ठेके मिल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के। ये मॉरिशस का फंड है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक फंड को ओनर भी बन गया अडानी के साथ डिफेंस की फर्म में। ये इस फर्म का नाम है एलआरआ, ELARA। ये फर्म है मॉरिशस में, इसने निवेश किया अडानी की कंपनियों में, अडानी ग्रुप में निवेश करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम है अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अडानी भी निवेश कर रहा और ये फंड भी निवेश कर रहा, और ये अल्फा डिजाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस के ठेके ले रहा है। मैंने तो ऐसा कभी संयोग देखा नहीं। और जैसे ही हम सवाल पूछते हैं कि भाई निवेशकों के पैसे कहां गए LIC और SBI में, हम सवाल पूछते हैं कि अडानी FPO लाता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके बावजूद LIC उसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाती है, कि कौन से दबाव काम कर रहे हैं। और ED और जांच एजेंसियां, अगर कोई विपक्षी दल का नेता सवाल भी पूछ ले तो उसके घर ED का छापा। अगर भारतीय जनता पार्टी को लग जाए कि इस स्टेट में वो हार रही है तो वहां के नेताओं के घर ED का छापा, उनके रिश्तेदारों के घर ED का छापा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विरुद्ध ED का छापा, हमारे जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके नेताओं के विरुद्ध ED का छापा। ED और CBI को क्या अडानी का एड्रेस पता नहीं है तो हम देते हैं? वी विल प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ एड्रेस। क्या ED और CBI को अडानी के घर के एड्रेस नहीं पता? और जब सवाल पूछे जाते हैं, राहुल गांधी जी जब सवाल पूछते हैं तो उसको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। आप कार्रवाई से तो हटा दोगे, पर वो सवाल जो देश के लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं, और वो सवाल ये है कि ये मॉरिशस रूट से जो शेल कंपनियों के थ्रू पैसा आया, उस कंपनियों के असली मालिक कौन है, देश ये जानना चाहता है। जिन शेल कंपनियों के थ्रू पैसा लाकर अडानी जी 600वें नंबर के रईस आदमी से दुनिया के दूसरे नंबर के रईस आदमी बने, वो फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी में एक बार मन की बात कीजिए और वो फॉर्मूला देश के लोगों को और देश के युवाओं को बताओ कि 600वें नंबर से दूसरे नंबर का रईस 7 साल में 8 साल में कैसे बना जाता है, देश के युवाओं को बताओ। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में अडानी जी को गेस्ट फैकल्टी बुला ले, कि आज अडानी जी मन की बात करेंगे एज ए गेस्ट स्पीकर, और गेस्ट स्पीकर में आके वो बताएं कि किस तरह उन्होंने 600वें नंबर से छलांग लगा के दुनिया के दूसरे नंबर के रईस व्यक्ति तक पहुंचे। हम किसी व्यक्ति की यात्रा के विरुद्ध नहीं है, पर हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। हम उन चीजों के खिलाफ है कि हमारे जो पंच महाभूत है, धरती, आकाश, पाताल, अग्नि, जल, इन पांचों में कुछ भी अगर सरकार बेचेगी तो आपको क्या वेट करना पड़ेगा कि ये किसको जाएगा? अगर एयरपोर्ट भी अगर प्राइवेटाइज किए जाएंगे तो किसको मिलेंगे? मुझे, आपको और देश के बच्चे को बताए। कोयले की खदान अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो किसको जाएगी वो, या कोयले की खदान का आवंटन किसको होगा? आपको, मुझे, देश के हर व्यक्ति को पता है। बंदरगाह अगर दिए जाएंगे, सरकारी बंदरगाह, तो वो किसको जाएंगे? आपको, मुझे और देश के हर व्यक्ति को पता है। तो देश के पंच महाभूतों पर अडानी का अधिकार नहीं हो सकता। वी कांट गिव ऑल आवर रिसोर्सेस टू द ए सिंगल एंटिटी। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम कॉरपोरेट्स के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, पर हम मोनोपोलिस के खिलाफ है। अगर आप, जैसे शिपिंग मूवमेंट है, आप शिपिंग मूवमेंट या देश में लॉजिस्टिक मूवमेंट पूरा एक प्राइवेट एंटिटी को दे दोगे तो वो अपनी प्राइसेस को डिक्टेट करने लगेंगे, वहां पे मोनोपोलिस का स्थापना हो जाएगी। तो साथियों, ये 101 जो नुस्खे मोदी जी ने निकाले हैं और रोज वो उसको यूज करते हैं, कभी कहते हैं कि हम आज बहस नहीं होने देंगे, माफी मांगो, आज हम ये नहीं करने देंगे क्योंकि आपने ये कर दिया। सिंपल सी बात बताइए कि CBI और ED अभी तक अडानी मामले की जांच का संज्ञान क्यों नहीं ले रही है?
सिंपल सी बात बताइए कि निवेशकों के LIC और SBI में पैसे टूटे उसका जिम्मेवार कौन है? सिंपल सी बात बताइए कि इतना सब होने के बाद भी LIC अडानी के FPO में पैसे देने को तैयार हो गया, उसका प्रेशर किसने डाला? सिंपल सी बात बताइए कि एक मॉरिशस का फर्म जो अडानी कंपनी में इन्वेस्टर है, वही फर्म आगे जाके डिफेंस के ठेके क्यों कैसे ले पा रही है, ये देश के लोगों को बताइए। सिंपल सी बात बताइए कि जहां जहां प्रधानमंत्री जी जाते हैं, भले इजराइल जाए, बांग्लादेश जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन, बांग्लादेश जाए तो बांग्लादेश के पावर सप्लाई का एग्रीमेंट, इजराइल जाए तो डिफेंस की टेक्नोलॉजी, वो सारी अडानी को ही क्यों मिल जाती है? दुनिया में देश में कोई और कंपनी नहीं है क्या? छोटे MSME उद्योग नहीं है जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी पे बरसों खपा दिए, पर वो काम उनको नहीं मिलता है, वो काम मिलता है सिर्फ देश की एक फर्म को। इसलिए हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप भले कितना भी बचाने की कोशिश कर लो, रोज जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, और ये खुलासा जो आज का खुलासा जो मैं लेकर आया हूं कि अडानी फर्म का इन्वेस्टर आज उस इन्वेस्टर को ओनर बन गया डिफेंस फर्म में, और वो डिफेंस फर्म को भारत सरकार से ठेके मिल रहे हैं। इन सवालों का जवाब देश की सरकार को देना पड़ेगा। साथियों, मैं आपके सवाल लूंगा, पर सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि हम विषय से संबंधित ही सवाल पूछे। उसके अलावा जो सवाल होंगे, हमारे साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है, वो उसका उत्तर देंगे, और कोई बड़ा इश्यू होगा तो उसके लिए हम स्पेसिफिक प्रेस वार्ता करके आने वाले समय में उत्तर देंगे।